अस्सलाम वालेकुम बल्कि आई वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है, कैसी गुजरी है जिंदगी? कल रात में बाप के पास था और हमने काफी सारा काम भी किया, हमने काफी सारा एंजॉय भी किया। 3 बज रहे हैं दिन के और नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद मेरी रवानगी है घर की तरफ। अच्छा, म्यूजिशियंस की बड़ी एक खासियत होती है, जब वो म्यूजिक से दूर होते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत ही लो, म्यूजिक के पास आ जाते हैं तो एनर्जी नेचुरली अप हो जाती है, बूस्ट हो जाती है। सो कल रात हमने काफ़ी सारे म्यूजिक किया, नई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट्स किए, नई रिकॉर्डिंग्स की, वोकल्स की रिकॉर्डिंग की रैमजिक रिकॉर्ड्स के पास, जो कि भाव का स्टूडियो है, जो कि वहाँ का प्रोड्यूसर है। और आपने, आई होप कि आपने लिंक पर जाके गाना सुन लिया होगा, मैं दोबारा इस व्लॉग में भी लिंक लगा रहा हूँ, तो आई होप कि आप जाके सुने। फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं बूथ में आ चुका हूँ अपनी रिकॉर्डिंग करने के लिए। ये माइक लगा हुआ है, इसको कहते हैं कंडेंसर माइक, इसको कहते हैं पॉप फिल्टर। पॉप फिल्टर बेसिकली हमारे जो ऐसे साउंड्स होते हैं ना उनको रोकता है, और ये है साउंड मॉनिटर। ये मेरी वोकल्स की रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी ऑफिशियल गाने के लिए, तो स्टे ट्यून्ड, जल्द आएगा वो। हमने नाश्ता कर लिया तो अभी हमारी घर की तरफ रवानगी का वक्त हो चुका है। जैसे ही मज़ा आया रैमजिक रिकॉर्ड के स्टूडियो में, मेरा हेलमेट, सेफ्टी प्रिकॉशन लाजमी होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच भाई, अबाउट योर रिव्यूज कैसा लगा आपको यहाँ? वो मैं आके घर पहुँच के बताऊँगा वीडियो में। सही है आपको, आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम विद मी एंड म्यूजिक। तो आपको पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इरफान भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा जो है काम करते हैं। आई वुड रिकमेंड यू द बेस्ट वीडियोग्राफर फिल्म मेकर मिस्टर इरफान। बहुत हो गई तारीफ, अल्लाह हाफिज़। आज बाप से वापस आने के बाद मैंने आराम किया था, उसके बाद मैं उठ चुका हूँ। अब मुझे दो काम है, एक तो अपनी गाड़ी को सर्विस करवाना है और उसी बहाने जाके हमने थोड़ी सी फ़ोटोशूट करनी है इंस्टाग्राम के लिए। अब यहाँ पर हैं तो दोस्तों के साथ, उन्होंने कहा चलो फ़ोटोशूट करते हैं, तो वो भी काम करके आ जाते हैं, तो अभी वहीं चलते हैं। पहले फ़ोटोशूट करेंगे, उसके बाद कार सर्विस करवाएंगे। होप कि आपको कल का ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं अभी आ चुका हूँ संदीप के पास, मैं उसको उठाऊँगा, फिर हम जाएँगे, पहले फ़ोटोशूट करेंगे। फ़ोटोशूट करने के बाद फिर मैं गाड़ी को नहलाऊंगा धलाऊंगा, मतलब सर्विस करवाऊंगा, बाद हम वापस घर आएंगे। और हो सकता है मैं फिर से किसी काम से जाऊं, क्योंकि एक काम है, किसी से मिलना है, तो भी इंतज़ार कर रहा हूं संदीप का। उसको मैंने कॉल कर ली है, मैंने मैसेज कर दिया है। वो कहते हैं ना कि आप दोस्त को मैसेज करोगे तो आधे घंटे के बाद ही आएगा, तो ऐसा ही सीन है। वो मोस्टली लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार हम ब्लॉग बनाना चाहते हैं, हम कैसे बनाएं, क्या बनाएं, हमारे पास कंटेंट नहीं है, ये नहीं। यार देखो, ब्लॉग बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप दुबई घूमने जा रहे हो या आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो या आप नारायण का गांव जा रहे हो। ब्लॉग के लिए ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी मसरूफियात क्या है, आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो अपनी लाइफ के बारे में। ब्लॉग बेसिकली जैसे हम कहानी लिखते हैं अपने बारे में, उसी तरीके से वीडियो बनाते हैं अपने बारे में। तो अगर आप सिंपल सी दुकान से कोई चीज़ लेने भी जा रहे हो ना, तो उसको इतने इंटरेस्टिंग वे में दिखाओ, इतने इंटरेस्टिंग वे में दिखाओ कि देखने वाला कहे कि यार कमाल है, नाइस। और एक मज़ेदार बात, कल मैंने एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने पूछा था कि हाँ भाई ब्लॉग कैसे आ रहे हैं। एक जगह मैंने लिखा था कि हाँ अच्छे आ रहे हैं, अगला कब आ रहे हो, दूसरी जगह लिखा था नहीं रहने दो, तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था नहीं रहने दो। तो भाई अब ब्लॉग बनेगा तो सिर्फ ये इन लोगों के लिए बनेगा जिन्होंने कहा था नहीं रहने दो। आ रहा है ब्लॉग नहीं रहने दो वालों, आ रहा है। साथ है संदीप, जिसको आप जरूर जानते होंगे, मेरी जितनी भी म्यूजिक वीडियो होती है उसकी बैंड द कैमरा होता है सिर्फ संदीप, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं आपको। तो अभी हम जा रहे हैं बेसिकली एक छोटे से फोटोशूट पे इंस्टाग्राम के लिए। अभी हम थोड़े फ्री थे तो मैंने संदीप को कॉल की, मैंने कहा भाई फ्री हो? उसने कहा हम फ्री हैं। तो हम अब जा रहे हैं, थोड़ा सा एक लोकेशन है हमारे पास वहाँ पर फोटोशूट करने के लिए। संदीप मेरे फोटो निकालेगा, मैं उसके निकालूंगा। हाँ जी, हम लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, आप ये देखें पीछे, बिल्कुल ही फॉरेस्ट टाइप लोकेशन है जिस पे हमने फ़ोटोशूट करना है। ये लोकेशन मेरे गाने में भी है, आप नीचे लिंक्स दी हुई है, जाके चेक करें उसमें से किस में है और मुझे फिर बताएं ये लोकेशन मैंने किस गाने में डाली हुई है। और ये देखें भाई, आते ही इसको भूख लग जाती है, सारा दिन घर पर होता है लेकिन घर से निकलते ही ये कहता है यार भूख लगी है यार,
खा पी के आया कर, बंदा खाता पीता रहे यार। पहले मैं इसको बेसिक फ़ोटो निकाल के बता रहा हूँ कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, उसको तो फोटोग्राफी आती है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, उसके बाद वो वैसी पिक्चर मेरी खींचेगा। फाइनली बड़ी गर्मी थी यार, फोटोशूट हो चुकी है और आप जाके इंस्टाग्राम पे चेक कीजिए हमारे फोटोज़। आई होप कि आपको पसंद आए हो। ये सारी फोटोग्राफी कमाल की है संदीप की और ये पीछे लोकेशन ही ऐसी, आप क्या बताएं, आप मुझे बताएं कि इसकी मैंने ये लोकेशन किस गाने में ऐड की है। मैं बताऊं? नहीं तो भाई बताओ कमेंट में, ये ऑडियंस बताएगी कि कहां हमने ऐड किए। बैक टू होम, अब थोड़ा सा पिक्चर्स को एनहेंस करते हैं और उसके बाद अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे। यार मैं जैसे ही सारे काम निपटाने के बाद किचन में गया तो किचन में बनी हुई थी वाइट बोनलेस कढ़ाई जो कि मेरी अम्मी के हाथ की बनी हुई थी, तो बस उसको खाने के बाद मैं मतलब आज लगता है मैं हवाओं में काफ़ी लजीज थी, मज़ेदार थी, तो वो हमने खाई। और अब आप बताएं कल का ब्लॉग आपको कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा तो उसको शेयर भी कर दीजिए ना यार। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, आई होप कि आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम और लिंक्स जो मैं देता हूँ नीचे वो विजिट कीजिए और थैंक यू सो मच।